अब खबरें विस्तार से। कहते हैं हिंदी को नाम की कहीं काम की जरूरत है, लेकिन इसे ना जनता समझ रही है और ना ही अधिकारी। तभी तो एक बड़े समारोह के विभाग में कार्यों पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जहां विभाग द्वारा लाखों खर्च किए जाते हैं और हिंदी में अशुद्धियां इतनी कि लोग भी दंग रह जाते हैं। देवघर के नंदन पहाड़ में मकर संक्रांति का उत्सव आयोजन किया गया, जिसमें पतंगबाजी प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम नंदन पहाड़ में होना था, लिहाजा बड़े से पोस्टर पर वेन यू अंकिता और इस स्थल का नाम था नंदन पहाड़ मनोरंजन स्थल। लेकिन जरा गौर से इस मनोरंजन स्थल पर देखिए यहाँ क्या लिखा है। मनोरंजन इन शब्द का क्या अर्थ है और आप इसका क्या अर्थ लगा सकते हैं, यह आप पढ़े लिखे बखूबी समझ सकते हैं। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन जिस हिंदी को हम अपनी मातृभाषा कहते हैं और यह गलतियां जब जिला प्रशासन करे तो इसका क्या संदेश आम जनता पर होगा, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। पत्रकारों की नजर पड़ी तो आपत्ति दर्ज भी कराई, लेकिन ऐसे में अधिकारी जवाब देने से बचते रहे। लेकिन अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस जगह पर ऊपर से चिपका दी गई अपनी गलतियों पर नया पोस्टर। इस कार्यक्रम स्थल पर देवघर के उपायुक्त, DDC और सांसद का आना तय हुआ था, लेकिन सिर्फ DDC ही पहुंचे। लेकिन इसके पहले गलतियों पर पर्दा प्रशासन डाल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इतने बड़े समारोह में यह गलती छोटी सी गलती थी। फिलहाल गलतियों पर पर्दा डालकर पतंगबाजी प्रतियोगिता को संपन्न किया गया, लेकिन सवाल अब भी वही मौजूद है, क्या यह लापरवाही हिंदी को शर्मसार नहीं करती? हमारे देश की जो है हिंदुस्तान की मातृभाषा है, और यदि इसका उचित ख्याल लोग नहीं रख पाते हैं तो यह जो है देश की दुर्भाग्य है। हिंदी में ही मतलब ये हर कार्य जो है कि हिंदुस्तान में होना चाहिए। जरूरत के अनुसार ठीक है दूसरे भाषा का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ के हिंदुस्तान के सभी वासियों को एक चीज तो जरूर सोचना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपना सभ्यता संस्कृति के अनुसार हिंदी में ही बातों का आदान प्रदान करें। शुद्धता का कितना ख्याल रखना चाहिए, हिंदी शुद्ध होना चाहिए? देखिए हिंदी के शुद्धता का ख्याल तो यहाँ पर बहुत मतलब परसेंटेज कम है। बोल चाल की भाषा का महत्व यहाँ पर जो है, क्षेत्रीय भाषा का महत्व हर जगह है, हर जगह लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन उसमें क्षेत्रीयता का मिलावट जो है बहुत अधिक रहता है। लिखावट में नहीं रखते? लिखावट में नहीं रहता, लेकिन बोल चाल के भाषा में जो है वो क्षेत्रीयता का भाषा। सरकारी व्यवस्था में अगर त्रुटियां ज्यादा निकले तब नहीं, यह तो दंडनीय अपराध है। यदि सरकारी भाषा में यह त्रुटि निकले तो दंडनीय अपराध है। सरकारी भाषा में निश्चित रूप से शुद्ध हिंदी का बोलचाल में भी और लिखित में भी प्रयोग होना चाहिए। भारत वर्ष में अपने आप में हिंदी की महत्ता प्रमाणित है, क्योंकि विशाल क्षेत्र में हिंदी भाषा भाषी है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो 60 करोड़ से ऊपर लोग अच्छी तरह से हिंदी बोलते समझते हैं। बड़ी ठीक है, टूटी फूटी हो लेकिन अच्छी तरह समझ सकते हैं। और भी एक अनुमान है कि लगभग 80 करोड़ लोग अब हिंदी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। ऐसे में एक राष्ट्रभाषा के रूप में से प्रतिष्ठापित करने के लिए जितना भी पर्व त्योहार हो हिंदी को बढ़ चढ़ करके उसमें शामिल किया जाना। शुद्धता का कितना महत्व है सर उसमें? शुद्धता की बात रही तो बोलचाल में यदि त्रुटियां होती हैं वो चल सकता है, लेकिन किसी मंची व्यवस्था हो या कहीं एक सभा को संबोधित की जाए तो शुद्धता होनी चाहिए, ताकि नई जनरेशन हिंदी को सही रूप में सीख सके।